नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में भूमि सर्वे के लिए अंचल स्तर पर लगेंगे शिविर। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बीपीएससी तैयार कर रहा अभ्यर्थियों का डेटाबेस। इस योजना के तहत बस किराए पर लाभुकों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। प्रदेश के स्टेशनों से होते हुए 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए खुलेगी भारत गौरव ट्रेन। शिक्षा मंत्री ने 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का किया ऐलान। रेलवे अधिकारी बताकर स्कैमर्स लोगों को लगा रहे चूना। 31 जुलाई को होगा आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनटीपीसी ने 144 पदों पर निकाली भर्ती। पावर जनरेशन कंपनी नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी द्वारा 144 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती माइनिंग ओवरमैन, मैगजीन इंचार्ज, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आदि के पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार https://jobapply.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जरूरी है कि आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास किया हो, साथ ही DGMS से मान्यता प्राप्त संस्थान से फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मौजूद हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। प्रदेश में भूमि सर्वे के लिए अंचल स्तर पर लगेंगे शिविर। बिहार में विशेष भूमि सर्वे के लिए सभी अंचलों में शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में सर्वे से संबंधित सभी तरह के काम होंगे। सर्वे के काम में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही अमीन समेत अन्य कर्मी और पदाधिकारियों को काम करने के लिए सामग्री खरीदने के लिए राशि उपलब्ध करवाई गई है। ये सभी तैयारी अंचल स्तर पर किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण का काम 100% पूरा हो सके, इसके लिए प्रचार प्रसार भी चल रहा है। अंचलों में लगाए गए सभी शिविर में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 2 कानूनगो, 2 लिपिक और 4 ग्राम पर 1 अमीन की तैनाती की जाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मालती चौधरी के बारे में। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1904 में बिहार में हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थी। 16 साल की उम्र में ये शांति निकेतन में विश्व भारती में शामिल हुई। इस दौरान इनके अंदर देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन के विचार विकसित हुए थे। मालती रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से भी काफी प्रभावित हुई थी। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही ओडिशा में उत्पीड़ित समुदायों के विविध संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 15 मार्च वर्ष 1998 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बीपीएससी तैयारी कर रहा अभ्यर्थियों का डेटाबेस। बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों का डेटाबेस तैयार करेगा, जिससे परीक्षा को पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाया जा सके। साथ ही फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आयोग जब अभ्यर्थियों का डेटाबेस तैयार करेगा, तब इसमें अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, आधार नंबर और जाति की श्रेणी को रखा जाएगा। आयोग जब इस डेटाबेस को पूरी तरह से तैयार कर लेगा, तब आगे की परीक्षा के लिए जब अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो उससे पहले वे डेटाबेस को खोलेंगे। जब डिटेल आपकी पंजीकृत हो जाएगी तो आपको एक आईडी दिया जाएगा। जब आप किसी परीक्षा में शामिल होंगे तो आपका डेटाबेस खुलेगा, उसके बाद ही आप रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि पहले की परीक्षा में आप शामिल हो चुके हैं तो आपका डेटा आयोग के पास पहले से ही मौजूद होगा। ऐसे में किसी भी तरह का बदलाव करने वाले अभ्यर्थी तुरंत पकड़ में आ सकेंगे। बीएच भारत नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों को 14 साल तक का टैक्स करना होगा जमा। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर 1 से अधिक राज्यों में मान्य बीएच भारत सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों को 14 साल तक के मोटर वाहन कर जमा करने को कहा है। पहले बीएच भारत नंबर प्लेट वाले मोटर वाहन टैक्स 2 साल के ही लिए जाते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है और इस बदलाव के तहत एक मुश्त कर 14 साल तक के लिए लिए जाएंगे। ऐसे में अब इस नंबर सीरीज से निबंधित वाहन मालिकों को और 12 साल का टैक्स चुकाना होगा। परिवहन विभाग ने जो अधिसूचना जारी किए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस नंबर सीरीज से निबंधित वाहन मालिक 60 दिनों के अंदर बकाया 12 साल के टैक्स को जमा कर दे, वरना अर्थदंड लगाए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निरीक्षण अभियान के दिए आदेश।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों को निरीक्षण अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। इस निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय में सक्रिय दलालों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही दलालों और मध्यस्थ की भूमिका वाले बाहरी लोगों पर कार्रवाई करने के साथ ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। विभाग द्वारा सभी समाहर्ताओं को कहा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में सक्रिय दलालों और मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले बाहरी लोगों के संबंध में मुख्यालय में गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए कार्यालय में सघन रूप से निगरानी करवाई जाए। जो भी इस निरीक्षण में पकड़ में आएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 29 जुलाई को इस जिले में लग रहा रोजगार मेला। 29 जुलाई को श्रम संसाधन विभाग दरभंगा में जॉब कैंप का आयोजन करवा रहा है। ये रोजगार मेला सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक देखने को मिलेगा। इस रोजगार कैंप में भाग लेने के लिए युवाओं की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही जरूरी है कि युवाओं ने 12वीं पास किया हो। इस रोजगार मेला में बिजनेस रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए कुल 200 पदों पर नियुक्ति होगी। युवाओं की नियुक्ति इंटरव्यू के माध्यम से की जानी है। चयनित युवाओं की सैलरी 13,000 से 18,000 रुपये तक होगी। वेतन के अलावे मुफ्त आवास, इंसेंटिव, फ्यूल खर्च आदि दिए जाएंगे। रोजगार कैंप में भाग लेने के लिए जरूरी है कि आप इसके आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही कैंप में अपने साथ जरूरी कागजात लेकर ही आएं। इस योजना के तहत बस किराए पर लाभुकों को मिलेंगे 5 लाख रुपए के अनुदान। बिहार में प्रखंडों और सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बस उपलब्ध करवाने की योजना है। इसके लिए लाभुकों को बस के किराए पर प्रति बस 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, चालान अनुज्ञप्ति मौजूद हो, लाभुक किसी तरह की सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित न हुआ हो। किसी भी प्रखंड में योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक को उस प्रखंड का निवास होना जरूरी है। इस योजना के आवेदन के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और चालान अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आम जनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना और राज्य के बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है। नवोदय विद्यालय 6ठी कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख की हुई घोषणा। क्लास 6 में एडमिशन के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने आवेदन की तारीख की घोषणा कर दी है। नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में बच्चों का एडमिशन चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। इसके लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को जरूरी है कि वे उसी जिले के सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहे हों। प्रदेश के इन स्टेशनों से होते हुए 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए खुलेगी भारत गौरव ट्रेन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन श्रद्धालुओं के लिए भारत गौरव ट्रेन से 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की सुविधा लेकर आया है। रेलवे इन 5ों धाम की यात्रा के लिए ट्रेन बेतिया, सुगौली, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के रास्ते ले जाएगा। भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से देखो अपना देश योजना के तहत श्रद्धालुओं को देश के 5 ज्योतिर्लिंग, सिरडी और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। 24 अगस्त को बेतिया से ये ट्रेन खुलेगी। रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्रियों को 33% तक की छूट भी दी जा रही है। शिक्षा मंत्री ने 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का किया ऐलान। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रदेश में 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने विधानसभा में सभी विधायकों से उनके क्षेत्र के 10-10 स्कूलों की लिस्ट मांगी है। इन स्कूलों का जीर्णोद्वार करवाया जाएगा। इस दौरान सदन में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को प्रतियोगी बनाया जाएगा, जिससे बिहार के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में मदद मिले। CBSE रीडिंग चैलेंज 2024-25 प्रतियोगिता का रहा आयोजन। क्लास 6 से 10th तक के बच्चों के लिए CBSE रीडिंग चैलेंज 2024-25 का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना और उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी कौशल बढ़ाने की पहल करना है।
इस प्रतियोगिता का आयोजन दो फेज में होगा, जिसमें पहले फेज के तहत CBSE एफिलिएटेड स्कूल भाग लेंगे। स्कूल ऑनलाइन तरीके से 1 से 25 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले फेज में प्रतियोगिता स्कूल स्तर पर होगी, इसके लिए क्वेश्चन पेपर स्कूल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। वहीं दूसरे फेज में जो 10 बच्चे नामांकित और पंजीकृत होंगे, उनका पहला राउंड 28 से 31 अगस्त तक होगा और दूसरा राउंड 24 से 27 सितंबर तक होगा। ये 10 विद्यार्थी 6ठी से 10वीं तक के दो दो छात्र होंगे। इनकी रीडिंग स्पीड और एक्यूरेसी की परख की जाएगी। जाने ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों है जरूरी? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें घूमने का काफी शौक होगा। घूमने के दौरान हम कई तरह के बजट बनाते हैं, इसमें खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्च आदि शामिल होता है। लेकिन यदि ट्रैवलिंग के दौरान किसी तरह की अप्रत्याशित घटना हो जाती है तो हमारा बजट पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ऐसे में ट्रैवल इंश्योरेंस काम आता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको किसी भी तरह के लॉस या इस दौरान होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं से बचाता है। यदि इस दौरान आपका कोई सामान चोरी हो गया है, तबीयत खराब हो गई है या अन्य तरह की घटना की भरपाई की जाती है। इस अधिनियम के तहत कई रैयतों को मिलेगी सुविधाएं। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 और नियमावली 2010 के तहत रैयतों को कई तरह की सुविधाएं देता है। इसकी जानकारी IPRD बिहार ने साझा की है। इस अधिनियम की खास विशेषता ये है कि इसमें सक्षम प्राधिकार को अपने आदेश के कार्यान्वयन के लिए दंडाधिकारी और बल प्रतिनियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। इसका लाभ लेने के लिए आप state.bihar.gov.in/lrc/citizenhome.html पर जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको नागरिक सेवाएं पर क्लिक करना होगा। फिर इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया की जानकारी के लिए नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी लिंक पर क्लिक करना होगा। रेलवे अधिकारी बताकर स्कैमर्स लोगों को लगा रहे चूना। इन दिनों साइबर फ्रॉड होना काफी आम हो चुका है। यदि आप सतर्कता नहीं बरतेंगे तो स्कैमर्स आपको चूना लगा सकते हैं। इन दिनों रेलवे स्कैम के कई मामले भी सामने आ रहे हैं। दरअसल ये स्कैमर्स लोगों को रेलवे अधिकारी बताकर कॉल कर रहे हैं और कोई भी कारण देकर आपसे डिटेल्स मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को तो टिकट कैंसिल होने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर पैसे रिफंड चाहिए तो अपने बैंक डिटेल्स दे दीजिए। इसके अलावा ये आपसे आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर, OTP, ATM पिन, CVV नंबर या पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ भी मांग सकते हैं और उसी के जरिए भी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने इस तरह की डिटेल्स लोगों से शेयर ना करें, ना ही उसके कहने पर किसी तरह के ऐप को इंस्टॉल करें। अगर आपके किसी ऐसे स्कैमर का कॉल आता है या ऐसी कोई घटना घटती है तो आप इनकी शिकायत https://cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं या 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आज प्रदेश के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी। बिहार में एक बार फिर से कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है। कई जिलों में बारिश के साथ लोगों को उमस भरी गर्मी का भी एहसास हो रहा था, लेकिन अब इससे राहत मिली है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में नवादा, नालंदा, बक्सर और सिवान जिले में मेघ गर्जन या वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जुब्बा सहनी पार्क के बारे में। ये पार्क बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में है। मुजफ्फरपुर में पिकनिक मनाने के लिए ये जगह सबसे बेस्ट हो सकता है। इस पार्क का नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पड़ा। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कई झूले और रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे और फाउंटेन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। रिश्वत लेते पकड़े गए कृषि विभाग के अधिकारी। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विभु विद्यार्थी और प्रधान लिपिक सत्यनारायण कुमार 3 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। निगरानी की टीम ने इनकी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि इन दिनों कई भ्रष्ट अफसरों पर निगरानी विभाग की नजर बनी हुई है। इस गिरफ्तारी को लेकर विभाग ने बताया है कि पीड़ित दुकानदार ने मामला दर्ज करवाया था कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा 3 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। 3 लाख रुपए नहीं मिलने पर उर्वरक दुकान को अवैध करार कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस धमकी के बाद पीड़ित ने निगरानी की टीम को कृषि विभाग में पत्र लिखा। फिर इसके बाद जाँच विभाग ने प्रमंडल कृषि के संयुक्त निदेशक विभु विद्यार्थी और प्रधान लिपिक सत्यनारायण कुमार को 3 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा। आज राजद MLC सुनील कुमार सिंह की सदस्यता पर होगा निर्णय। विधानमंडल में चल रहे बजट सत्र के दौरान राजद विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह और कारी सोहेब
द्वारा नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का मामला सामने आया था। इस मामले में सत्ता पक्ष द्वारा राजद के इन सदस्यों को निलंबित करने की मांग की गई थी। इस मामले को लेकर विधान परिषद में वरिष्ठ सदस्य रामबचन राय की अध्यक्षता में आचार समिति बनाई गई थी। इस समिति ने सुनील कुमार सिंह को दोषी पाया है, वहीं राजद एमएलसी कारी सोहेब निर्दोष साबित हुए हैं। हालांकि अब इस मामले में सभापति अवधेश नारायण सिंह सुनील कुमार सिंह के सदस्यता को लेकर निर्णय लेंगे। ये निर्णय सभापति शुक्रवार को लेने वाले हैं। ऐसे में चर्चा है कि राजद एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील कुमार सिंह की सदस्यता जा सकती है। पप्पू यादव की इस मांग पर ओम बिरला ने जो कहा उस पर ठहाके लगाकर हंसने लगे सांसद। लोकसभा में चल रहे मॉनसून सत्र में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट चालू होने की बात कह चुके हैं। बिहार सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण करने वाली थी, लेकिन अभी तक 15 एकड़ जमीन अभी भी अधिग्रहण करने के लिए बची है। पप्पू यादव की इस मांग पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सारे सारे में बैठने के लिए कहा। आगे स्पीकर बिरला ने कहा कि पप्पू यादव जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। स्पीकर के इतना कहते ही वहां मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। ललन सिंह के तीखे वार पर राबड़ी देवी का पलटवार। बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी सीएम नीतीश के साथ ललन सिंह पर भी भड़कती नजर आईं। उन्होंने सबसे पहले ललन सिंह से पूछ लिया कि उन्होंने अपनी माँ और अपनी पत्नी को कितनी पढ़ाई करवाई है, पहले उनका सर्टिफिकेट दे, उसके बाद दूसरी औरतों के बारे में कुछ बोले। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने महिलाओं का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि अभी हाल में ही ललन सिंह ने राबड़ी देवी को लेकर कहा था कि राबड़ी देवी को बजट कहां समझ में आएगा, दस्तखत कितना लंबा करती हैं, वो भी कभी देख लिया करिए, बजट जैसी चीज पर वो क्या बोलेंगी। 31 जुलाई को होगा आईपीएल 2024 का मेगा ऑक्शन। आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन 31 जुलाई को होने वाला है। ये ऑक्शन बीसीसीआई और आईपीएल टीमों के मालिकों के बीच में होगी। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में इस मीटिंग के होने की संभावना जताई गई है, लेकिन अभी तक इसे लेकर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्रिक बज की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल सीईओ हिमांग अमीन ने एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए इस बात की जानकारी दी है। मैसेज में यह भी बताया गया है कि ये बैठक कहाँ होगी और क्या टाइमिंग होगी, जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1844 में भारत के प्रमुख शिक्षाविद गुरुदास बैनर्जी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 2002 में प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रारंभ हुआ था। आज के दिन वर्ष 1915 में कृष्ण पट्टाभी जोईस का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य थे। आज के दिन वर्ष 1914 में भारत की प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक विद्यावती कोकिल का जन्म हुआ था। वर्ष 1904 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी मालती चौधरी का जन्म हुआ था। सोशल मीडिया पर आईटीआर फाइल करने को लेकर वायरल हो रही ये खबर। अगर आप भी आईटीआर रिटर्न करते हैं यानी टैक्स पेयर हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया के कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई थी, इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही इस अफवाह को देखते हुए टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने साफ तौर पर कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 ही है, इसकी डेडलाइन को नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए इस तरह की अफवाहों पर विश्वास करने से बचें। नीट 2024 का रिवाइज्ड स्कोर कार्ड हुआ जारी। नीट 2024 का रिवाइज्ड स्कोर कार्ड एनटीए द्वारा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही एनटीए ने नीट यूजी का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश परीक्षा में पूछे गए फिजिक्स के प्रश्न के चौथे विकल्प को सही माना था, साथ ही इसी के आधार पर नई मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही थी। मालूम हो कि 4 जून को जारी हुए नीट परीक्षा रिजल्ट में 67 परीक्षार्थियों को 720 में 720 अंक प्राप्त हुए थे, जिसके बाद कई तरह के मामले सामने आए और विवाद बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि अब जब रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो आप इसे https://exams.nda.ac.in/neet पर चेक कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी 21 जुलाई,
ऑप्शन डी है 23 जुलाई, इसका सही उत्तर है 22 जुलाई। हाल ही में किसे ओमन चांदी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है राहुल गांधी, ऑप्शन बी आकाश तिवारी, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, इसका सही उत्तर है राहुल गांधी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है जाक्सा, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है DRDO, ऑप्शन डी है रोसकॉस्मोस, इसका सही उत्तर है नासा। बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन सी 1921 में, इसका सही उत्तर है 1937 में। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए असीम उस्तान, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है शेर शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब, इसका सही उत्तर है शेर शाह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया इनके नाम है प्रहलाद दास, उमेश ऋषिदेव, राकेश मिश्रा, कमल किशोर, बिरजू कुमार, गुलाब कुमार, तेज कुमार, सादुल्ला पालवी, रंजन शर्मा, विनय कुमार, पवन सिंह, अभिजीत, रघुनंदन कुमार, रामबाबू दास, परवेज अरसी, जूली कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में आवागमन का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।